अरे नमस्ते नमस्ते गौरी और गोपाल, कहो भाई कैसे आना हुआ? आओ बैठो तो। आओ गौरी बैठो यहाँ। दीदी आप कुछ कर रही हैं? हाँ भाई, मैं तो भूगोल के प्रश्नोत्तरी की तैयारी कर रही थी। अरे वाह भूगोल, आज हम लोग भी आपसे कुछ भूगोल के विषय में ही पूछने आए हैं। अच्छा तो भाई पूछो, क्या पूछने आए हो? दीदी हाँ? ये मानसून क्या होता है? मानसून? भाई मानसून कहते हैं मौसम के अनुसार चलने वाली हवाओं को। मौसम के परिवर्तन के साथ साथ ये हवाएं भी अपनी दिशा बदल देती हैं। लेकिन दीदी ये मानसून आते कहाँ से हैं? भाई देखो गौरी, गर्मी के मौसम में ये मानसून आते हैं भारत के दक्षिण पश्चिम के सागरों से, और सर्दियों में यही मानसून भारत के उत्तर पश्चिम से आते हैं। दीदी ठीक से समझाए ना कि मानसून वर्षा कैसे करते हैं। अच्छा तुम्हें मैं मानचित्र की सहायता से समझाती हूँ। देखो ये है विश्व का मानचित्र, ठीक है, और ये जो देख रहे हो ये है भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के उत्तर में जितना भी स्थल है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण के भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब देखो ये है कर्क रेखा। अब तुम्हें समझ में आया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहाँ है? जी जी जी। और कर्क रेखा? जी जी जी। अच्छा तो अब ये बताओ कि कर्क रेखा भारत में कहाँ से कहाँ होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही, कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब जून के महीने में सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, जिससे उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ जाता है, लेकिन उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायु दाब का केंद्र बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, और वहीं हिंद महासागर पर उच्च वायु दाब का केंद्र बन जाता है, समझे? लेकिन दीदी वायुमंडल में ये उच्च और निम्न वायु दाब केंद्र कैसे बनते हैं? अच्छा इसके लिए हमें एक और चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। देखो ये है वो चित्र, आप इस पर देखो कि ये है कर्क रेखा, ठीक, ये हुई भूमध्य रेखा और ये हुई मकर रेखा। अब हमें आवश्यकता है केवल कर्क एवं भूमध्य रेखा की, ठीक। तो गर्मियों में सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? उत्तरी गोलार्ध में, तो वहां का तापमान जो है पूरा बढ़ जाता है, लेकिन स्थल भाग जो है वो ज्यादा गर्म हो जाता है और जल भाग इतना गर्म नहीं होता। अब इस बात को मैं तुम्हें एटलस के द्वारा समझाती हूँ। देखो ये सारा है स्थल का भाग और ये सारा जल का भाग। यूं तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के महीने में समान रूप से सूर्य की किरणें पड़ती हैं, लेकिन चूंकि जल भाग तरल होता है इसलिए धीरे धीरे गर्म होता है, जबकि स्थल का भाग जल्दी गर्म हो जाता है। अच्छा, इसीलिए भारत का उत्तर पश्चिम भाग समुद्र से दूर होने के कारण अधिक गर्म हो जाता है। ठीक समझा गोपाल तुमने, और इसीलिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब में बहुत अधिक गर्म हवाएं चलने लगती हैं, और इन गर्म हवाओं को बताओ तो क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक समझा तुमने, और जब यही लू हल्की होकर ऊपर उठती है तो निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है, जबकि हिंद महासागर में अपेक्षाकृत तापमान धीरे धीरे बढ़ने के कारण उच्च वायु दाब का केंद्र बनता है। लेकिन दीदी ये मानसूनी हवाएं वर्षा कैसे करती हैं? अच्छा आओ तुम्हें ये बात मैं तुम्हें मानचित्र की सहायता से समझाऊं। देखो इसके लिए तुम दोनों को एक बात हमेशा याद रखनी होगी, वो ये कि हवाएं सदा उच्च से निम्न वायु दाब केंद्र की ओर बहती हैं। कहां से कहां? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। बिल्कुल ठीक, तो यहाँ पर हवाएं चलती हैं हिंद महासागर में स्थित उच्च वायु दाब से उत्तर पश्चिम में स्थित निम्न दाब की ओर। लेकिन होता क्या है कि भारत की स्थिति जो है वो प्रायद्वीपीय है, इसीलिए मानसून दो भागों में बंट जाता है। इनमें से पहली शाखा अरब सागर से प्रवेश करती है और ये जो पश्चिमी घाट के पर्वत देख रहे हो ना, इनसे टकराकर
वर्षा कर देती है, जबकि दूसरी शाखा प्रवेश करती है बंगाल की खाड़ी से, ठीक। और यहाँ पर ये मानसून फिर से दो भागों में परिवर्तित हो जाता है। इनमें से पहली शाखा जाती है हिमालय पर्वत से टकराने, हिमालय पर्वत से टकरा कर पहली शाखा पूरे उत्तर भारत में वर्षा करती है, ठीक। जबकि दूसरी शाखा गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से टकरा कर पूर्वी भारत में वर्षा कर देती है। पर दीदी, हाँ? ये मानसूनी हवाएं पर्वतों से टकरा कर ही वर्षा क्यों करती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा गौरी तुमने। देखो, सागर की ओर से चल रही ये हवाएं गर्म होती हैं और जलवाष्प युक्त होती हैं, लेकिन जब ये हवाएं ऊंचे वायुमंडल में पहुंचती हैं तो ठंडी हो जाती हैं, और इनमें जो जलवाष्प होता है ना, वो जल की बूंदों में बदलकर धरातल पर बरस पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार केतली में रखा पानी जब गर्म होता है तब भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन ठंडा होने पर यही पानी दोबारा से यही जलवाष्प दोबारा से पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या दीदी, सर्दियों में भी मानसून की हवाएं चलती हैं? हाँ गोपाल, सर्दियों में भी मानसूनी हवाएं चलती हैं, लेकिन यहाँ स्थिति ठीक उल्टी होती है। देखो, सर्दियों में भूमध्य रेखा के दक्षिणी के क्षेत्र को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो सर्दियों में जो है सूरज की लंबवत किरणें पड़ती हैं दक्षिणी गोलार्ध पर, और दक्षिणी गोलार्ध का तापमान बढ़ जाता है, जिससे जहां गर्मियों में उच्च वायुदाब था वहां निम्न वायुदाब बन जाता है, और जहां निम्न होना था वहां उच्च वायुदाब बन जाता है। अर्थात हवाएं कहां से कहां चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो सर्दियों में उच्च वायुदाब बना उत्तर पश्चिम में, ठीक, और निम्न बना यहाँ, ठीक। तो हवाएं चली स्थल से जल की ओर, स्थल से जल की ओर चलने के कारण ही हवाएं होती हैं शुष्क, ठीक है। लेकिन जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी पर पहुंचती हैं तो आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, इसीलिए ये हवाएं दक्षिण में विशेषकर तमिलनाडु के तट पर घनघोर वर्षा करती हैं। तो क्या समझा तुम लोगों ने? यही कि इस प्रकार हमारे देश पर भी मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है। हाँ। और यही इसीलिए हमारे देश को मानसूनी हवाओं वाला देश भी कहते हैं। भाई वाह, तुम लोगों ने तो सब कुछ समझ लिया। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं? पूछे दीदी। गोपाल जरा बताओ तो, हवाएं किस वायुदाब से किस वायुदाब की ओर चलती है? हवाएं सदा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। बिल्कुल ठीक। अब गौरी तुम बताओ, गर्मी की ऋतु में उच्च वायुदाब का केंद्र कहाँ बनता है? दक्षिणी गोलार्ध में। और सर्दियों में? उत्तरी गोलार्ध में। शाबाश।